of Allah, who is the most merciful and the most gracious. Good morning and assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start unit 4. I hope you all have done the previous exercises on your copies. So now take out page number 101. Page number 101, unit 4, we are going to start. The unit is about the internet and World Wide Web. World mean dunya, wide mean vasi, theek hai? Vasi yani lamba, kushada, choda. Web mean jal, theek hai? इंटरनेट जो है दुनिया में एक वसी जाल है. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन तारुफ, हम तारुफ पढ़ेंगे किसका, इंटरनेट का. द इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है कलेक्शन है, कलेक्शन मीन मजमुआ, ठीक है, कलेक्शन मीन मजमुआ ज़खीरा ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है वो एक मजमुआ है बहुत से नंबरों का जो तमाम दुनिया को आपस में जोड़े हुआ है. बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट और सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल, ठीक है. अब इसमें बता रहे हैं कि हम इंटरनेट के यूजेस से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और मैसेजेस रिसीव भी कर सकते हैं थ्रू यानी ईमेल के जरिए. फाइन, इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी विल आल्सो डिस्कस द वर्ल्ड वाइड वेब. हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ द इंटरनेट मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स. ये एक एरिया है, ठीक है, जो बना हुआ है बहुत से मिलियंस यानी वेबसाइट से. नाउ टेक आउट पेज नंबर 102. पेज नंबर 102. नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, ठीक है. इंट्रोडक्शन है, तारुफ है किसका, इंटरनेट का. Today, billions of users around the world access the service of the internet. Today, यानी आजकल billions जो user हैं इस्तेमाल करने वाले, वो internet की service को वो billions में है, ठीक है. आजकल internet जो है वो billions लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. We can exchange, यानी हम इसमें एक्सचेंज मीन अदल बदल करना, ठीक है, चेंज करना. वी कैन एक्सचेंज मैसेजेस, इसमें हम एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. बाय एंड सेल थिंग्स एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर वाई यूजिंग द इंटरनेट. इसमें हम बाय खरीद सकते हैं, सेल यानी फरोख्त कर सकते हैं, कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से इंटरनेट की मदद से. यानी आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग्स भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप है जैसे, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, यानी थ्रू इंटरनेट के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट. अब इसमें आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे. द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है लार्जेस्ट वसी नेटवर्क है कंप्यूटर्स में पूरी दुनिया में. इट कनेक्ट्स मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स टुगेदर. ये कनेक्ट करता है, जोड़े हुआ है स्मॉल यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उनको. एंड अलाउज ऑल द कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. अलाउ करता है, इजाज़त देता है किस चीज़ की, कंप्यूटर्स को, कि आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. अ नेटवर्क इज अ सिस्टम. नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड मीन कनेक्ट वन विद अनदर, यानी कनेक्ट करना, एक एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ठीक है. कंप्यूटर्स
अ नेटवर्क इज अ सिस्टम. नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड जो कनेक्ट कर सकता है कंप्यूटर्स को, डेट कम्युनिकेट, जो बातचीत कर सके विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड शेयर एप्लीकेशंस, और शेयर कर सके किसको? एप्लीकेशंस को, डेटा को, एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ठीक है, और हार्डवेयर यानी डेटा, एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सके. नाउ पेज नंबर 102. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट सर्विसेज, यानी इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज हैं. द इंटरनेट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट जो है आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, दैट इट्स यूज इज कंसिडर्ड एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज. ठीक है, इंटरनेट आजकल क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी हो गया है. दैट इज कंसिडर्ड, जो समझा जाता है एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज, यानी एक बुनियादी जो समझा जाता है कंप्यूटर का, क्या? इंटरनेट. फाइन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट सर्विसेज आर शोन बिलो. बहुत जो कॉमनली सर्विसेज यूज होती हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे. फाइन, नीचे देखिए टॉपिक्स दिए हुए, अब उनके बारे में हम रीड करेंगे. नंबर वन इज द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वाइड मीन वसी, वेब मीन जाल, दुनिया का एक जाल है इंटरनेट. देखिए पिक्चर में जैसे आपको बताया गया हुआ है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है, मजमुआ है वेब पेजेस का ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट में विच प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो प्रोवाइड मीन फराहम करता है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मालूमात की वैरायटी. ठीक है, मुख्तलिफ मालूमात की वैरायटी फराहम करता है. डेट कैन बी असेस्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, जिसे हम पीपल लोगों तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं, यानी दुनिया में जहाँ भी लोग हों इंटरनेट के ज़रिए हम उनसे इंफॉर्मेशन, उनसे कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल. ईमेल मीन, ई का क्या मतलब है? ई मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. अ यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव electronic messages and files to anyone in the world using email service. User जो है जो email use कर रहा है वो क्या send कर सकता है और receive भी कर सकता है messages को, file को. ठीक है, email के ज़रिए, email service के ज़रिए हम messages, files यानी data वगैरह को receive कर सकते हैं और send भी कर सकते हैं. Third one is chatting. A user can chat with anyone. User जो है वो chat कर सकता है यानी बातचीत कर सकता है किसी से भी using this service. इस service को यानी internet को use करने के बाद there are different websites and software. यानी अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ websites भी हैं और softwares भी हैं that allow, जो allow करता है, इजाज़त देता है video और audio chatting, जिसके ज़रिए हम वीडियो और ऑडियो चैटिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है. देखिए ये इन्होंने अब वीडियो कॉल की हुई है, तो हम इंटरनेट के ज़रिए वीडियो और ऑडियो चैटिंग भी कर सकते हैं. फाइन, द फोर्थ वन इज शॉपिंग. अ यूज़र कैन बाय एंड सेल थिंग्स ऑन इंटरनेट वाइल सिटिंग एट होम. यूज़र जो है, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वो क्या कर सकता है? बाय यानी घर बैठे चीज़ें ख़रीद सकता है और फरोख्त भी कर सकता है इंटरनेट की मदद से. जैसे देखिए आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स आई हुई हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को ख़रीदना हो वो भी बाय कर सकते हैं, और फरोख्त करना हो, सेल करना हो, तो वो भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. फाइन, आई होप कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.